छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। ये स्टोरी इस पेन के बारे में है, दैट इज अबाउट दिस पेन। ये पेन जो हम सभी लोगों के पास है, एक छोटा सा बच्चा था, उसे पेंसिल से लिखने की आदत थी। यूजुअली थर्ड और फोर्थ क्लास में आपको एक पेन थमा दी जाती है, तो तीसरी या चौथी क्लास में उसे पेन दे दी गई और उसने जब पेन से पहली बार लिखा तो गलत हो गया और अब उसे समझ में नहीं आया कि करना क्या है। तो उसने पहले उसे रबर से मिटाने की कोशिश की क्योंकि उसकी मिटाने की आदत थी, लेकिन वो मिटा नहीं। जब वो नहीं मिटा तो फिर क्या सॉल्यूशन हो सकता था? उसके खुराफाती दिमाग ने वो काम किया जो आप में से सभी लोगों ने कभी ना कभी किया होगा, थूक लगाया और मिटाने की कोशिश की। और जब उसने उसे थूक से मिटाने की कोशिश की तो क्या होता है आपको पता है, बात बिगड़ गई, वो पूरा पेज नीला हो गया। लेकिन वो बच्चा हार नहीं मानने वाला था, इतने से हार मान जाता तो बात कैसे बनती। तब वो एक ब्लेड लेकर आया और उसने उसको घिसा। ये कई सारे लोगों ने कई बार किया होगा और उसके बाद उसे सफलता मिल गई। जब उसने पेज को ब्लेड से घिसा तो वो गलत लिखा हुआ मिट गया, लेकिन पेज का वो हिस्सा ही उड़ गया, तो वो पेज का हिस्सा गायब हो गया। अब वो उस पेज के उस पार्ट को, कॉपी को लेके अपने टीचर के पास गया तो टीचर ने बोला, ये क्या किया है तुमने? उसने बोला, सर गलत हो गया था। बोले, गलत हो गया तो क्या हो गया? बोले, सर अगर मैं ये ऐसे दिखा देता तो सबको पता चल जाता कि मैंने गलती कर दी है, तो इसके लिए मैंने इसे मिटा दिया। बोले, तो गलती हो गई तो काट कर आगे बढ़ जाते, उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी तो था नहीं। समझने वाली बात यह है कि आपको पेन मिला इसका मतलब क्या है? पेन मिला इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलतियां नहीं कर सकते। पेन मिला इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अब आप जानते हैं कि गलतियां मिटाने के लिए नहीं होती, गलतियां सीखने के लिए होती हैं। जब आपको थर्ड या फोर्थ क्लास में हाथ में पेन आ गई तो आपने ये समझ लिया, ऐसा नहीं उसके बाद आपने गलतियां नहीं की, उसके बाद आपने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उसके बाद गलतियों को मिटाने का ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपने उन गलतियों को क्रॉस करके उनसे सीखना शुरू कर दिया। तो दैट वॉज द मेन पर्पज ऑफ पेन। पेन तब नहीं मिलता जब आप गलतियां ना करना सीख जाएं, पेन तब मिलता है जब आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाए कि आप ये समझ जाएं कि गलतियां छुपाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए होती हैं। या हाय एवरीवन, सो एक तो पहले तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी बधाइयां दी आप लोगों ने, थैंक्स अ लॉट। एंड सोशल मीडिया से याद आया कि सोशल मीडिया में हम अक्सर देखते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं वो कुछ लाइफ में कर रहे हैं, किसी की शादी हो रही है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई जॉब कर रहा है ना, तो काफ़ी डीमोटिवेशन होता है। तो द पॉइंट इज कि एक हमने बुद्धिज्म पढ़ा था, उसमें हमने पॉइंट पढ़ा था निर्वाणा का, राइट? तो निर्वाणा इज अबाउट पर्सनल परस्यूट, राइट? ये आपकी पर्सनल लड़ाई है, आपकी अपनी लड़ाई है, और इसमें आप क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है, और आपके दोस्त क्या कर रहे हैं उनकी शायद जिंदगी अलग है, उनकी लड़ाई अलग है। एंड दैट इज द रीजन यू शुड नॉट कंपेयर, नेवर एवर कंपेयर कि हाँ वो लाइफ में कहाँ पहुँच गया या मुझे कहाँ पहुँचना है। कोई वॉरेन बुफे है जो शायद 60 के ईयर्स में, आज 65 के ईयर्स में $85 बिलियन पे है वो, बट एज भी 65 है, बट उसकी लड़ाई शायद वहाँ पे ठीक है, अच्छी है। तो ये मत सोचो कि हाँ इस आज के पॉइंट पे तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, ये सोचो कि हाँ ये तुम्हारी अपनी लड़ाई है, तुम्हें जहाँ पहुँचना है उसमें जितना भी समय लगेगा वो ठीक है, राइट? है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। टीचर्स डे है, ठीक है, और गुरु शिष्य परंपरा में तो शायद क्या कहूँ कि आप लोग हैं भी या नहीं बट इतनी बात तो अच्छी है कि आप सभी लोग आज टीचर्स डे पे यहाँ हैं। दैट्स अ ग्रेट टू ऑल ऑफ अस, जितने भी हमारे टीचर्स फ्रेटर्निटी से लोग हैं, सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं दो बातें यहाँ कहना चाहूँगा, सारे जितने भी हमारे टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने काफ़ी कुछ बात आपसे किया होगा, मेरे बाद भी बातचीत होती रहेगी। बस मैं यही कहूँगा कि देखिए जिस जर्नी पे आप लोग निकल चुके हैं, आई मीन ऑफकोर्स UPSC को लेकर, वहाँ आपके कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना? दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रोल हम लोग कह सकें। तो अगर आपने कभी अपने कॉन्फिडेंस को शैटर किया तो आपका, आपके अंदर कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, वो सारा वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पोटेंशियल को अगर रियलाइज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरे पे विश्वास करने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने ऊपर विश्वास करें। एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा, वन ऑफ माई जूनियर्स इज टुडे एन IAS, जो कि 2009 बैच का IAS है, झारखंड कैडर का है वो। उसने हमारे वक्त जनरल कैटेगरी में 4 अटैम्प्ट होते थे और वो OBC कैटेगरी से, तो 6 अटैम्प्ट थे उसके।
चार अटेम्प्ट उसके प्लेम्स नहीं हुए थे, वन आफ्टर अनदर कॉन्सिक्यूटिवली हुआ नहीं था, लेकिन कभी भी उसने अपना कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होने दिया, जो कीवर्ड मेरे लिए है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, जो मैं आपके साथ कह रहा हूँ कि आपके अंदर भी होना चाहिए। उसने कभी भी शैटर होने नहीं दिया, लेकिन आप ये समझिए उस चार अटेम्प्ट में कम से कम उसके 6 से 8 साल निकल गए थे, और वो 6 से 8 साल उसके लिए बड़े ही मुश्किल वाले थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करना आते हैं तो आपके अंदर एक पोटेंशियल आईएएस होता है, लेकिन जैसे ही आपका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट होने लगता है इन सोसाइटी एंड इवन समटाइम्स इन योर विद इन योर फैमिली, आप जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी खत्म होना शुरू हो जाता है और लोग आप पे विश्वास करना बंद कर देते हैं। लेकिन उस लड़के ने हर एक प्लेम्स के फेल्यूर के बाद जब मेंस का टाइम आता था, मुझे याद है अभी भी, वो मेंस की तैयारी करता रहता था और जस्ट 5th अटेम्प्ट में जब उसका प्लेम्स हुआ तो उसका मेंस भी हो गया, और मेंस हुआ उसका इंटरव्यू भी हो गया, और इंटरव्यू होने के साथ उसको कैडर भी जो मिल गया वो आईएएस मिला, जो सर्विसेज मिली आईएएस मिली, और उसको होम कैडर भी मिल गया। सो दिस इज द रोल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा रखिए, डिटर्मिनेशन को बिल्कुल बना के रखिए, और परसिस्टेंटली काम करते रहिए। सो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ लव एंड ब्लेसिंग्स। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सर विल कंटिन्यू विद यू गाइस नाउ। आपने खूब सारी कहानियां सुनी होंगी, 4 घंटे 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे वाली, बट देयर इज ऑल्सो अ बटन कॉल्ड, अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्विच ऑफ बटन, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है सैचुरेशन पॉइंट का, और वो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। तुम्हारा हो गया है ना, 1 महीने के बाद घुसना बंद हो गया है, 1.5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए स्विच ऑफ, नो यूपीएससी, इट हेल्प्स ऑल्सो। सी, मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं, पहले मुझे शॉपिंग करनी होती थी लाइक कॉलेज डेज में, डिसीजन मेकिंग बहुत आसान थी क्योंकि चॉइसेस कम थे, ठीक है, क्या खरीदना है और पैसे कितने हैं, मोस्टली पैसे पे ही डिसाइड होता था 99%, 1% उसमें जितना शो ऑफ कर लें, हर इंजीनियरिंग कॉलेज की वही कहानी है। आज क्या है, चॉइस ऑफ मेनी है, लेकिन क्या है ना, मेंटल हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से एडवाइजेस और क्या आप खा रहे हो, अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हो, देर आर मल्टीपल एडवाइजेस दैट यू विल गेट, बट ये तुमको डिसाइड करना है। महाभारत का युद्ध जो था वो शकुनी वर्सेस कृष्णा था, दुर्योधन का एडवाइजर शकुनी था और अर्जुन का एडवाइजर कृष्णा था, अंडरस्टैंड इट। सो यू विल फाइंड मल्टीपल एडवाइजेस, आई एम नॉट सेइंग दैट दोज एडवाइजेस आर रॉन्ग, ये ना हम सब डिफरेंट इंडिविजुअल हैं और उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगेंगी तुमको, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर ओन इनेट कैपेसिटी यू वुड बी एबल टू डू दैट। सो प्लीज अपने आप को पहचानिए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके हिसाब से अपना मतलब स्टडी आर, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब चिल मार रहे हैं, कैसे चिल मार रहे हैं। अब तक हजारों हजार स्टूडेंट को मैंने देखा होगा कि चाहे वो मेरे सीनियर हो, मेरे जूनियर हो, मेरे साथ के लोग हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं ये मानता हूं कि 50% लोग इमोशनल प्रॉब्लम से फाइट करते हैं पूरे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में। After a couple of years, जब आप तैयारी कर लेते हैं और आपको रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता है तो बहुत सारे लोग आपको बोलना शुरू करते हैं, तेरा होगा नहीं होगा, कोई आपसे कहता है कि शायद तो इस लायक कभी था ही नहीं, कोई आपसे बोलेगा कि तुमको इतना लंबा समय इस एग्जाम में नहीं लगाना था। मेरा मानना है कि अगर आप एक ऑप्शन रखते हैं अपने लाइफ में, कोई भी वो ऑप्शन होना चाहिए सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के साथ साथ, जिस ऑप्शन को वर्स्ट सिनेरियो के केस में आपको अपने हाथ में आपने रखा हुआ है, और उसके बाद अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते रहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने आज तक कभी किसी ऐसे स्टूडेंट को फेल होते हुए इस एग्जाम में नहीं देखा है जो कमिटमेंट के साथ लगा रहा है। उसका हो सकता है कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन ना हुआ हो, लेकिन उसका स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है। हर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करता है, जो मेरे जान पहचान में भी लोगों ने किया था और अब भी मैं स्टूडेंट को सेम मिस्टेक करते हुए देखता हूं, कि वो जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं तो नेक्स्ट 5-6 ईयर्स तक वो कोई और पेपर देते ही नहीं है। तो बेसिकली होता ये है कि उनका डिटर्मिनेशन
उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ अनटेस्टेड होता है। और जब आपका सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट खत्म होता है, उसके आप बाद पीसीएस देना शुरू करते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए पीसीएस देते हैं, तो 10 में से आज के डेट में मैं 7-8 बच्चों को देख रहा हूं कि वो 1-2 साल में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और इमोशनल डिफिकल्टीज को अगर आपको सरमाउंट करना है, तो आईएएस बनना इज अ गुड आइडिया, लेकिन इट शुड नॉट बी द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ योर लाइफ। ये एक प्रिपरेशन है। ऑनेस्टली आप प्रिपेयर कीजिए इस एग्जाम को बिना ये सोचे हुए कि क्या होगा। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मेरा अगर नहीं होगा तो क्या होगा। मैं पूछता हूँ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा नहीं होगा तो हो सकता है कि तुम अ कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन यू विल स्टार्ट थैंकिंग एग्जामिनर फॉर गिविंग यू अ कपल ऑफ मार्क्स लेस देन अदर्स, जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, ये बी ऑल और एंड ऑल नहीं है। अगर तुमने इस एग्जाम को लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन बना लिया, तो कभी तुम अपने फुल पोटेंशियल पर खेल ही नहीं पाओगे। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? कहां पहुंची? ज्योग्राफी पहुंची? तो फिर मंजिल मिल ही जाएगी, है ना? लोग कहते हैं कि गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, भटक कर ही सही मंजिल तो हमें मिल ही जाएगी। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने पहला स्टेप लिया घर से निकलने का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं, आईआईटी क्रैक करके आए हैं, आईएम क्रैक करके आए हैं, हमेशा एक कंसिस्टेंटली क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है कि सर हमने इतने सारे एग्जाम्स क्रैक किए, यूपीएससी तो क्रैक हो ही जाएगा, पहली बार जब मिलते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद आते हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट था नहीं हुआ, सेकेंड था नहीं हुआ। कंसिस्टेंटली ये क्वेश्चन पूछने आते हैं, लेकिन प्रिपरेशन में कभी कंसिस्टेंट नहीं होते, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है इस पूरी प्रिपरेशन में, आपको कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कंसिस्टेंटली साथ रखनी है। रख रहे हो? जब हम प्रिपरेशन करते थे तो कोई मोटिवेट कोई नहीं करता था, सब डीमोटिवेट करते थे। जैसे मैं पहली बार अटेम्प्ट देने आया तो मेरे रूममेट्स मुझसे बोले कि बेटा पहले अटेम्प्ट में किसी का नहीं होता। अब एक छोटे शहर से आया हूं, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, कोचिंग करी नहीं, पहली बार ही कह दिया नहीं होता। मैंने दिल पे ले लिया, मैंने कहा कैसे नहीं होता, हुआ। फिर बोले अरे प्रीलिम्स तो हो जाता है, मेंस नहीं होता। खैर वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ प्रीलिम्स हुआ, ठीक है। अब आपके केस में सबसे बढ़िया बात यह है कि जहां जोन सा चैनल खोल लो मोटिवेशन देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, तो मोटिवेशन लेते रहो, लेकिन इसका भी ओवरडोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज सबका खराब है। तो अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी रखनी है, प्रिपरेशन को एक स्ट्रैटेजिकली जो क्लासरूम आपका चल रहा है उसको फॉलो करना है। टीचर्स डे पे अगले साल नहीं आना है, है ना, अगले साल यूपीएससी जाना है, क्योंकि अगले साल इसी समय मेंस है। तो फिर आप भी अगले साल आना है, नहीं आना है, ठीक है, और उसके अगले साल एलबीएस में करना है। तो बस ये कंसिस्टेंसी रखनी है, इतना ही रखना है और इतने से हो जाएगा, बाकी पढ़ते रहना है, ठीक है। थैंक यू। कपिल सिक्का सर ने एक बात बोली कि मोटिवेशन का ना कभी ओवरडोज नहीं होना चाहिए, तो मैं भी कोई ऐसे ज्यादा मोटिवेशन दूंगा नहीं आप लोगों को। ऑलरेडी सबने, सारे हमारे फैकल्टीज ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सबको बताई। एक छोटी सी बस पर्सनल स्टोरी है, छोटी सी पॉइंट ये है कि मेरे ना लाइफ में 3 टीचर्स रहे हैं अगर मैं सही बताऊं तो। और ना टीचर को मैं ये नहीं मानता कि टीचर एक फैकल्टी होता है, टीचर का मेरे लिए मतलब है हर वो इंसान जो आपको कुछ सिखाए। तो मेरे लिए 3 टीचर्स हुए हैं, तीसरा जो है वो थोड़ा चेंज होता रहा है, पर 3 टीचर्स थे। पहला मेरा टीचर है मेरे बड़े भैया, ठीक है, माय एल्डर ब्रदर। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर हमें क्यों बता रहे हो। पॉइंट ये है कि यूपीएससी की जर्नी के अंदर ना एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी मेरी लाइफ में कभी भी दिक्कतें आई है ना, मैंने हमेशा अपने भाई की तरफ टर्न किया है, एंड ही हैज बीन द वन सिंगल सपोर्ट सिस्टम जिसने मुझे हमेशा बोला है कि तू चिंता मत कर मैं खड़ा हूं, ठीक है ना। तो लाइफ में ये सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई छोटे भाई हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी दिक्कतें आएंगी वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। मेंटर्स हो सकते हैं, आपके मेंटर्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड, दूसरा जिसको मैं अपना एक टीचर मानता हूं वो है टाइम, ठीक है ना। हमें वक्त बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में ना। ऐसे ऐसे दिन आए हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मुझे मेंस का टाइम याद है जब मैं मेंस देने वाला था, मेरा एक्चुअली ना प्रीलिम्स कभी
बहुत मेरे मुझे कभी इशू नहीं हुआ प्रीलिम्स के अंदर, हमेशा बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, बट दिक्कत आती थी मेंस के अंदर थोड़ी। तो मेंस से पहले ना मैं सोचता होता था कि यार ऋषभ अगले ना 4-5 दिन ना बड़े टफ होने वाले हैं, अगर ये 4-5 दिन मैं कैसे ना कैसे करके निकाल लूं शायद मेरी जिंदगी चेंज हो जाए, राइट। ऐसे टाइम्स बहुत सारे आए हैं मेरी लाइफ के अंदर जब इतना मेंटल स्ट्रेस था, सर ने बात करी मेंटल प्रेशर की, तो वो सारे फेजेस देखे हैं, बट इन द एंड ना कभी टाइम के साथ चीजें बेटर हो ही जाती हैं। भले आपको उस टाइम लगे यार मेरा मेंस नहीं हुआ, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, पर लंबे टाइम के अंदर सोचोगे ना शायद आपको वो दिन याद भी नहीं आएगा। आज के दिन आप अगर आप सैड हो ना, शायद आप सोच रहे होंगे यार ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, नहीं ऐसा नहीं है। 5 साल के बाद आप वो दिन रियलाइज भी नहीं करोगे कि एक दिन ऐसा भी आया था जब मैं रो रहा था। तो टाइम से बढ़िया कोई टीचर कभी ना था ना कभी होगा, राइट। और तीसरा टीचर कौन है? तीसरा टीचर चेंज होता रहता है, किसी टाइम पे कुछ कोई और था, आज कोई और है, ठीक है। हर दिन आपके अच्छे कमेंट से, आपके बुरे कमेंट से मैं कुछ ना कुछ रोज सीखता हूं, ठीक है। एक काम करना, आप में से ज्यादातर लोग ना मुझे शायद प्रीलिम बूस्टर पे फॉलो करते हैं, राइट। आज से 1 साल मेरी पहले की वीडियो देख लेना, 2 साल पहले की वीडियो देख लेना और आज की वीडियो देख लेना, आपको शायद एक जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। क्यों हुआ ये, कोई आइडिया? आप लोगों की फीडबैक की वजह से। आप लोगों ने मुझे हजारों गालियां दी है, लाखों तारीफें करी है, उनसे भी सीखा, जिन्होंने अच्छी बातें बोली उनसे अच्छी चीजें सीखी, जिन्होंने खराब बातें बोली उनसे खराब बातें सीखी, बट इन द एंड हमेशा सीखने की कोशिश करी है। तो लाइफ में ना आप लोग भी ये चीज कर सकते हो। लोग आपके ऊपर भी बोलते होंगे यार तीसरा अटेम्प्ट है तेरा, चौथा अटेम्प्ट है, ये है वो सारी चीजें। या तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म से अपने आप को नीचे दबा लो कि यार मेरे से नहीं फेस होता है क्रिटिसिज्म, या फिर उसे ऊपर उठो, उसको यूज करो उस क्रिटिसिज्म को कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बनाने के अंदर। अच्छाई करते हैं तो उसको कंटिन्यू करो अपने अंदर। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। गेटिंग द पॉइंट? तो बस मेरा इतना ही था, ठीक है ना। तीन मैंने अपनी बतानी थी कि तीन टीचर्स मेरे कौन है। आई होप आप समझ पाए होंगे। सिंपली एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम, अपने टाइम से अपनी चीजों से सीखना, एंड लास्टली अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो, अपनी वीकनेसेस को पहचानो, उनके ऊपर वर्क करो, एंड आई एम श्योर कि आप सभी सक्सेसफुल होंगे। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। When I joined PW, na, reason why I joined was, we are not here to sell you dreams. We are here to mentor you, to guide you. One of the lines I still remember, I was talking to Alak sir. Whenever we talk to him, what happens? Are you comfortable with English or main Hindi mein bolu? Okay. Kyunki UPSC mein to likhni padegi na, English mein bhi. Theek hai? So, I remember one thing he said. I said, this has happened many times with personally when I was talking to him. The word customer was used once. What he said, student can never be a customer. A student can never be a customer. A student is a student. I was talking to him, I think last month only, he told me that. Because I was talking to him, he said, then I realized I am in an organization where that guru shiksha, guru shishya, and that concept is actually implemented. So that is why I said, now we are not here to sell you dreams, we are here to mentor you. And when you do hard work, now you should never get tired, you should get satisfaction. See, I had also qualified the examination. I was a software engineer also. I got selected in Adobe. I was selected in Indian Navy also. I was selected in CAPF also and civil service also, but I'm here. Okay? Because I love what I am doing. Possibly what will happen is many of you are going to qualify this examination, probably IAS, IPS or any other cadre or branch, but you will realize ki kya hua hai? Doesn't matter. Right now, your aim is qualifying the examination. Work hard. You will fall down. You remember when I did my software engineering, I got 3 offer letters, Infosys, Wipro and Adobe. I thought I'll prepare for civil services. Then what happened is, for a few years, I was not able to qualify. My friends from other IITs and all, they were buying cars, going for foreign trips. And I was like, what am I doing? But then I realized, that is my choice. Respect your choices. So just remember that you are capable enough of qualifying this examination. There's nothing there that can stop you. If you are there to prepare for this examination in a consistent manner,
गिरोगे फिर खड़े हो, गिरोगे फिर खड़े हो. इट इज नॉट कि कितनी बार गिर रहे हो, इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज गिरने के बाद खड़े हो रहे हो. स्मार्ट वर्क एंड गोल इन योर दैट गोल शुड बी देयर. क्लियर? वी आर ऑलवेज देयर विद यू. द होल PW टीम इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर टू मेंटर यू, टू गाइड यू. एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस, वी आर गोइंग टू बी देयर. क्लियर? ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल्स. हरप्रीत सर हैव मेंशनड इन PW वी आर नॉट सेलिंग द ड्रीम्स, बट एज आई मेंशनड इन टुडेज क्लास ऑल्सो वी आर सर्विंग द इंडियाज ड्रीमर्स. Yes, you people have the right to dream. You people have the right to dream about what you want to achieve in your life. But what I personally have observed is जो लोग planning, execution नहीं करते हैं, जो भी वो choose करना चाहते हैं अपनी life में, वो fail हो जाते हैं. So particularly if you have dreamt of doing UPSC, the very first step towards that is good planning towards that. If you have a plan in your hand कि हाँ मेरा एक साल में इतना सिलेबस कवर होगा, इस हिसाब से मुझे अपने ऑप्शनल को, अपने जनरल स्टडीज को कवर करना है, इतने आर्स मैं हर दिन क्लास के बाद अपनी स्टडीज को दूंगा, then only you will be able to achieve what you have dreamt of, right? And moreover, it's not just the planning, execution is also necessary. Every day we plan for something, but sometimes we fail to execute it. Why? Because कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने targets को बहुत over ambitious कर देते हैं, उसके बाद self doubt में चले जाते हैं कि मैं रोज ये target बनाता हूँ, but achieve नहीं कर पाता. Take the ambitious targets, अपनी capabilities को पहचाने. जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानेंगे, उतने ज़्यादा आप अच्छे target को achieve करते जाएंगे. Small small steps, उनको अचीव करते चलें, हर स्टेप को रिव्यू करें. रिव्यू करने के लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए टेस्ट से बढ़कर कोई चीज नहीं है. एंड द क्लासरूम प्रोग्राम आल्सो आई हैव मेंशनड सो मेनी टाइम्स दैट मॉक टेस्ट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इज द की टू सक्सेस. व्हाई? बिकॉज वट एवर यू हैव स्टडीड इन द क्लास इज ओनली बींग सब्सटेंशिएटेड वट एवर मार्क्स यू आर स्कोरिंग इन द टेस्ट. Be it is in prelims or in mains, and change your personalities. Think like an administrator, behave like an administrator, you will be an administrator. Believe me, if you have dreamt of UPSC, if you have dreamt of being a nation ka ek aisa post jo ki bahut kam logon ko naseeb hota hai, uske liye bahut sare log taiyari bhi karte hain. But agar tumne ye soch liya, to hum mein se hi log hain jo is paper ko nikalte hain. आज भी मैंने बोला था इस क्लास में 10 से 15 IAS ऑफिसर बैठे हैं, हम जानते हैं ये सब लोग. बस ये तुम भी हो सकते हो और तुम्हारी बाजू वाला भी हो सकता है, राइट? सो प्लीज मेक योर प्लान अकॉर्डिंगली. ये प्रोसेस मुश्किल है, इस प्रोसेस का पार्ट आप लोग हैं. यही पेपर GS 1, 2, 3, 4 आपको चार चार घंटे में अलग अलग दिनों में दिया जाएगा. यू पीपल विल बी स्कोरिंग रियली वेल मार्क्स, बट उस 3 घंटे में वट यू डू देयर इज समथिंग कंसोलिडेटिंग योर थॉट्स एंड राइटिंग. उसमें भी ये भी जानना है कि हाँ मैं लिख भी रहा हूं, मैं सोच भी रहा हूं, लिखते लिखते अगला स्टेप सोच रहा हूं. दिस इज समथिंग विच इज वेरी चैलेंजिंग. दिस प्रोसेस इज चैलेंजिंग, दिस एग्जाम इज नॉट. बिलीव इन योर सेल्फ, डू नॉट गो इन टू द सेल्फ डाउट. यस यू कैन, यस वी कैन. थैंक यू सो मच. बरसों पहले, बहुत हजारों साल पहले, भारत में एक बहुत घमंडी राजा हुआ था, जिसके दरबार में एक शिक्षक खड़ा हुआ और उसने कहा था कि शिक्षक साधारण नहीं होते हैं घननंद, उसके हाथ में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं. बात इस निर्माण की करेंगे. एक बात याद रखिएगा, आप वाली बात. अक्सर बच्चे UPSC की तैयारी करने आते हैं तो हम पूछते हैं उनसे क्यों IAS बनना चाहते हो, तो कोई कहता है पड़ोसी को दिखाना है. ऐसे ढेर सारे मिलते हैं. एक कोई कहता है विवाह में दहेज बहुत मिलता है इसलिए आए. ये सच है, ऐसे लोग मुझसे मिले हैं इसलिए कह रहा हूं. कोई कहता है पावर बहुत है, भौकाल बहुत होता है. भाई बोल रहा है अपने मन की बात. ठीक बात समझ रहे हैं. आप लोग ये सोच करके मत आइएगा. याद रखिएगा एक बात मेरी, ये जो राष्ट्र नाम की चीज है ना,
ये पहाड़ों से, नदियों से, पर्वतों से, पठारों से नहीं बनती है, अपने युवाओं से बनता है। हम सब अपने अपने हिस्से में आखिर है क्या? 1/140 करोड़ हिंदुस्तान है, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। जब कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो अपने हिस्से का भारत बनाता है, लेकिन वही व्यक्ति जब भारत की गौरवमय सिविल सेवा में शामिल होता है तो यह सिविल सेवा उसे अवसर देती है कि वह लाखों अन्य लोगों के हिस्से का भी भारत बना सके। बस इसीलिए आइएगा। समझ में आ गई बात ना? कोई समय से परेशान है तो कोई समाज से परेशान है, कोई कल से परेशान है तो कोई आज से परेशान है। समाज को क्या लगता है मैं बता देता हूं, उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, लेकिन हमें यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है।